तो इसमें से आप लोग को कौन सा वाला डिजाइन सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। का डिजाइन कितना प्यारा है ये देखो आप। हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। आप लोग के प्यारा सपोर्ट से मेरे 5000 सब्सक्राइबर जल्दी ही कम्प्लीट होने वाले हैं, तो उम्मीद है मुझे आप लोग जल्दी कम्प्लीट करवा दोगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो शॉपिंग ब्लॉग होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है, अब त्योहारी त्योहार हैं आगे, तो अब हर हफ्ते शॉपिंग ही करने में रहते हैं, तो अब आपको मैक्सिमम ब्लॉग शॉपिंग ब्लॉग ही देखने को मिलेंगे। तो इससे उन लोग को मदद होगी, मतलब हेल्प मिलेगी जिनकी नई नई शॉप ओपन हुई है, तो उन्हें मतलब सामान लेने का थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि किस किस तरीके से सामान लेते हैं करके। तो इसलिए मैं जब जब भी शॉपिंग करके लाऊँगी आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हमेशा कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलते हैं, फटाफट से सामान निकालते हैं और आप लोग को भी दिखाते हैं कि क्या क्या लाए हैं करके। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये है सामान का बैग और सभी टाइप का सामान ला रखी हूँ इसमें। तो और ये एक है ये वाला थैला। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, दिन में आज मुझे एक मैम का मैसेज आया था, सीमा रावत ब्लॉग से करके शायद उनका चैनल है, तो उनका मैसेज आया था कि हमारी न्यू शॉप है, आप देहरादून में कहाँ से सामान लाते हो मुझे बताओ करके। तो मैं आपको बता दूँ, नई नई में ऐसी होता है, हमें भी जब नई नई शॉप ओपन हुई थी ना, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से लाएँ, कहाँ क्या मिलेगा, ब्रांडेड कहाँ मिलेगा, नॉर्मल सामान कहाँ मिलेगा। तो हम भी मार्केट में बहुत ज़्यादा घूमे तब जाके अब पता चल पाया है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं आपको सारे लगभग जहाँ जहाँ से मैं सामान लाती हूँ वो सारे होलसेलर का नाम बता देती हूँ। एक है इधर मोती बाजार में हार्दिक कॉस्मेटिक करके, तो वो भी बहुत अच्छा, वो भी मतलब बहुत अच्छे होलसेलर हैं, तो उनसे भी आप सामान ले सकते हो। इधर मोती बाजार से अंदर हार्दिक कॉस्मेटिक पड़ता है और उसके बाद झंडे वाला में रविंदर जनरल स्टोर को शायद देहरादून में सभी जानते होंगे, तो वहाँ भी बहुत अच्छा सामान मिलता है। मैं मैक्सिमम सामान वहीं से लाती हूँ, रविंदर जनरल स्टोर से, हार्दिक कॉस्मेटिक से। और इधर सहारनपुर ट्रेडर्स करके धामा वाला में है, तो आप उधर से भी ला सकते हो। आप गूगल में डालना, आपको सब मिल जाएगा, लोकेशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। और चूड़ियों के लिए धामा उधर, सॉरी क्या कहते हैं, झंडे वाला में सानिया बेंगल करके है और इधर धामा वाला में श्याम चूड़ी वाले हैं, वो भी मतलब काफ़ी अच्छा सामान देते हैं, वहाँ चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी अच्छी मिलती हैं। और मोती बाजार में एक बाबा बेंगल करके हैं, वो भी अच्छा देते हैं। तो आप लोग एक बार एक दिन ना पूरा मार्केट घूम के आना, तो तभी जाके आपको समझ आएगा कहाँ क्या अच्छा मिलता है करके। तो हम भी जगह जगह से लाते हैं क्योंकि हर सामान एक ही जगह अच्छा नहीं मिलता है। मैं सहारनपुर ट्रेडर्स वालों के यहाँ से भी लाती हूँ, हार्दिक के यहाँ से भी, रविंदर के यहाँ से, तो सब लोग के यहाँ से थोड़ा थोड़ा लाती हूँ, कहीं कुछ अच्छा मिलता है कहीं कुछ अच्छा मिलता है। तो आप लोग भी दो तीन जगह ट्राई करना, तो इन जगह मतलब यहाँ ना कोई लूट पाट नहीं है, मतलब बहुत अच्छा सामान देते हैं, तो आप लोग उधर जा सकते हो। सो गए, सारा सामान मैंने बैग का लगा दिया है और थैले का वैसे ही रखा है क्योंकि काउंटर छोटा सा है तो भर जाता है। तो एक एक करके दिखाती हूँ आपको। ये है ओरल बी का टूथब्रश, इसमें बच्चों के भी हैं बड़ों के भी हैं, तो एक पैकेट पूरा इसका ला रखी हूँ। और ये हैं कुछ सैनिटरी पैड सोपी के और विस्पर के। और उसके बाद ये है आस्था बेरी की हेयर रिमूवर क्रीम और ये है पॉन्स की बीबी क्रीम। ये हैं ईयरबड और एक ये अच्छी क्वालिटी में है टूलिप्स के। और इसका ईयरबड ना पहले 33 रुपये का मिलता था और आप लोग देख सकते हो 44 MRP होगी है इसकी, लेकिन इसका ईयरबड है काफ़ी अच्छा। और ये हैं थोड़ा हल्की क्वालिटी के, 10 रुपये सेल होने वाले। और उसके बाद ये ला रखी हूँ अंडर आर्म वाला रेजर। और ये है नेचर्स की फेशियल किट और ये एक पैकेट ला रखी हूँ हल्के वाला रबर बैंड है, 5 रुपये सेल होने वाले। और उसके बाद एक ये ला रखी हूँ, ये जेल फॉर्म में है, ये फेस वॉश गार्नियर का विटामिन सी वाला। और ये है विटामिन सी फेस सीरम। और उसके बाद ये हैं ओलिविया के मेकअप स्टिक, ये ओलिविया के जो मेकअप स्टिक हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। ये है कोबरा का परफ्यूम छोटा वाला 55 MRP वाला, तो ओ ये देख सकते हो आप लोग, 55 कह रही थी मैं, इसकी MRP भी बढ़ के अब हो गई है 60 रुपये, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो दिन प्रतिदिन कितनी महंगाई बढ़ गई है। और उसके बाद ये है गार्नियर का विटामिन सी सीट मास्क, सीट मास्क मुझे चारकोल वाले लाने थे तो वो वहाँ पर थे नहीं। हेलो बोलो। हेलो। और ये देखो ये इसके हाल, इसने पूरा मार्कर लगा दिया टी शर्ट में है। ये
हेयर में लगाने वाला है? हेलो बोलो सबसे। हेलो, कैसे हो? बोलो कैसे हो? हमारी वीडियो को क्या करना? लाइक करो। कैसे करते हैं बताओ? लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय। और वीडियो को शेयर करो, है ना। और ये ला रखे हो अपने यूज के लिए ब्रश, और ये ब्रश भी ना कुछ खास तो है नहीं, ये मैं जल्दी से खराब हो जा रहा है। ये मैं भी ऐसे। इसे क्या करते हैं? अरे हाँ, कोपे साफ करते हैं, आपको पता है ना। और ये ला रखे हो MG5 का हेयर वैक्स है ये। बालों में लगाते हैं? ठीक है, आप चुप रहोगे तभी तो मैं बनाऊंगी वीडियो, वरना लोग कहेंगे आपका बेटा ही बोलते रहता है बस, है ना। थोड़ी देर चुप हो जाओगे ना। और ये है वीनस का रेजर, तो 5 पीस ला रखी हूँ रेजर के। और ये है वेटनोवेट, क्या है, एन। और ये है गार्नियर का सीरम विटामिन सी क्रीम। और ये है सुहाग की बिंदी, सुहाग की बिंदी के और नंबर भी चाहिए थे, वहाँ थे नहीं बाबू, बोलने दो। और ये है आंवला वाले तेल, शांति निहार और डाबर आंवला। और उसके बाद ये है बच्चों की चूड़ियाँ, ये देखो इस टाइप से। तुम तो लड़के हो, आप पहनोगे क्या? ये लड़कियां पहनती, लड़कियां नहीं मैं पहनूंगी। अच्छा आप पहनो। और ये ला रखी हूँ 2 फेस रेजर के पैकेट। और गाइज ये ला रखी हूँ मैं 2 ग्लोबन के डिजाइन। और ये उत्तराखंड की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, तो ये हमारे यहाँ काफ़ी पहनता है। और देखो कितने प्यारे प्यारे डिजाइन लग रहे हैं। ये लेने नहीं गई थी लेकिन ना मुझे काफ़ी सुंदर लगे, तो 2 पीस मैं ले आई हूँ इनको। और उसके बाद ये हैं बच्चों के हेयर बीड्स, ये देखो कितने प्यारे प्यारे क्लेचर हैं। तो ये 20 रुपये सेल होने वाले हैं, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो एक पैकेट इसका ला रखी हूँ। और उसके बाद एक ये है स्पंज, ये हैं 2 वैक्स के बॉक्स। वैक्स मेरे पे बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, ये एक कोल्ड है एक चॉकलेट वाली है, तो 2 वैक्स के बॉक्स ला रखी हूँ। और उसके बाद ये एक बॉक्स ला रखी हूँ छोटे वाले मिरर का। तो ये ना मतलब ये भी काफ़ी सेल होता है, लोग पूजा वगैरह में भी रखते हैं, जब श्रृंगार का सामान रखते हैं उसमें भी रखते हैं, और लोग अपने पर्स में रखने के लिए भी ये छोटा वाला शीशा लेते हैं। तो 1 दर्जन ला रखी हूँ शीशे। और इसमें है कुछ रिंग के डिज़ाइन, वो अब मैं अभी आप लोग को आराम से दिखाऊंगी। और इसमें है ये क्या कहते हैं ईयर रिंग के डिज़ाइन, तो ये दोनों को मैं आराम से आप लोग को दिखाऊंगी। और इसमें भी इसमें है ये नथिया के डिज़ाइन, देखो कितनी प्यारी सी नथिया है। और ये देखो 2 नथिया इस टाइप से, एक इस टाइप का डिज़ाइन है और एक इस टाइप का डिज़ाइन है, तो गोल्ड भी फेल है इनके सामने। और एक ये, तो ये 4 ला रखी हूँ नथिया। तो ये आज वहाँ नया आया था तो लेनी तो नहीं थी, वैसे तो ख़त्म हुई थी लेकिन अभी इनका सीजन नहीं है, आप करवे पे बिकेंगी ये, लेकिन मैं ले आई हूँ। और गैस उसके बाद ये ला रखी हूँ कुछ कड़े के डिज़ाइन, ये 2 टाइप के हैं, 2 अलग अलग डिज़ाइन, नहीं डिज़ाइन तो एक ही है, तो 2 ला रखी हूँ 4 कड़े ला रखी हूँ। और उसके बाद ये तो चूड़ियाँ हैं, मैंने आप लोग को दिखाई दी हैं। और उसके बाद हैं ये कुछ गारमेंट, तो गारमेंट ना मैं हर साइज़ के 2-2, 3-3 पीस ला रखी हूँ, तो इसलिए मुझे पूरा डिब्बा नहीं ला रखी हूँ, इसलिए डिब्बा नहीं मिला है, तो खुले में ला रखी हूँ। तो मेरे पे ऑलरेडी बहुत सारे डिब्बे हैं तो उनमें रख दूँगी इसको। और ये भी गारमेंट ही हैं, तो ये सारा कुछ सामान है। तो काउंटर का सारा सामान तो मैंने आप लोग को दिखा दिया है, अब दिखाती हूँ ये थैले का सामान। ये ग्लोबन का डिज़ाइन कितना प्यारा है, ये देखो आप, सोना भी फेल है इसके सामने, तो इतना सुंदर लग रहा है ना ये। तो गाइस काउंटर का सारा सामान मैंने सेट कर दिया है, अब आपको दिखाती हूँ थैले का सामान, तो इसमें थोड़ा बहुत है। तो गाइस थैले में ज़्यादा सामान नहीं है, सबसे ज़्यादा पैम्परी हैं 10-12 पैकेट, इसमें स्मॉल मीडियम और XL 3 टाइप के हैं, तो सबके मैं 2-2, 3-3 पैकेट ला रखी हूँ। और क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये काफ़ी सेल होते हैं और फिर हर दूसरे दिन ख़त्म हो जाते हैं, फिर लाने जाना पड़ता है, इसलिए मैं ज़्यादा ले आई हूँ। और उसके बाद एक है लोटस की गोल्ड वाली फेशियल किट, ये है डायमंड वाली, और ये नई आ रखी है उपटन वाली, तो ये भी ला रखी हूँ। और उसके बाद ये 4 डिब्बे ला रखी हूँ मैं मेहंदी के, तो मेहंदी तो मेरे यहाँ तीज में ही ख़त्म हो गई थी और फिर मेले भी नहीं बची थी, मैंने ना ये फास्ट वाली मेहंदी लगाई, ये जो लेमन करके है ये फास्ट मेहंदी है, तो इसकी भी कोन इस टाइप से है, ये अभी पैक है ये। तो ये 4 बॉक्स मेहंदी के ला रखी हूँ। तो इस वाले थैले में सिर्फ इतना ही सामान है, तो इसको भी मैं ऊपर सेट कर देती हूँ क्योंकि पैम्पर को हम रखते हैं ऊपर। तो गाइस सारा सामान सेट कर दिया, ये देखो पैम्परों का कितना ज़्यादा ढेर हो गया है, और तो सारा सामान है ही। तो देखते हैं अभी, कल को मुझे जाना है सूट वगैरह लेने, तो आप लोग देख सकते हो उधर की वो सस्ती रेंज की सूटें मेरी सारी ख़त्म है, सिर्फ इतनी सी सूट बची हैं। और अब राखी आ रही है तो
लोग लेने देने के लिए सूट वगैरह लेते हैं ज़्यादा, तो अब सूट लाने जाना है कल को। तो फिर जी मतलब जैसे भी सूट लाऊंगी वो भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी मैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये रिंग के डिज़ाइन के कौन कौन से ला रखे हो करके, तो जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। काफ़ी प्यारी प्यारी रिंग आई थी इसलिए ना मैं पूरा डिब्बा भर के लाई हूँ। तो ये देखो एक डिज़ाइन तो ये है जो मैंने पहन रखा है, तो ना मुझे काफ़ी सुंदर लगी है। और एक डिज़ाइन ये वाला है आप लोग देख सकते हो, एक इसी का ही एक ग्रीन कलर है, ये देखो कितनी सुंदर लग रही प्यारी सी। तो ये वाली जो रिंग होती है ना इनका कलर जल्दी फेड नहीं होता है, तो काफ़ी अच्छी रिंग है ये। और एक रिंग मुझे ये भी काफ़ी सुंदर लगी, ये देखो वाइड नग वाली इस टाइप से है ये, और ये भी ना मुझे काफ़ी प्यारी लगी। तो मैं सोच रही एक ये वाइट वाली और ब्लैक वाली दो तो मैं ही पहन लूँगी, और इसके भी दो 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 पैक ला रखी हूँ सारे के। और एक ये ला रखी हूँ नया डिज़ाइन, और एक डिज़ाइन ये वाला ला रखी हूँ। तो यही ला रखी हूँ लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 10, 12 पैकेट हैं ये, तो 10-12 दर्जन मतलब, क्योंकि एक पैकेट में एक दर्जन आता है, तो 10-12 दर्जन ला रखी हूँ ये रिंग के, क्योंकि रिंग भी ना लेडीज़ काफ़ी पहनती है। तो ये दिखा दिए रिंग के डिज़ाइन, और इसमें है कुछ ईयर रिंग के डिज़ाइन, वो भी आप लोग को जल्दी जल्दी से दिखा देती हूँ। ये देखो ये मैं पहले भी ला चुकी कई बार, तो ये ना लोग यहाँ बहुत पसंद कर रहे हैं। तो इस टाइप के हैं ये बालियाँ टाइप की, और उसके बाद एक ला रखी हूँ इस टाइप के, ये भी काफ़ी सुंदर हैं, पहले ला रखी थी तो फिर ये ख़त्म हो गए थे, इस बार फिर ला रखी हूँ। एक है इस टाइप के, तो हमारे यहाँ ना इसी टाइप की ईयर रिंग ज़्यादा पहनती है लेडीज डेली यूज में। और ये देखो कितनी प्यारी सी झुमकी है, तो आप ये ना राखे में सब बिक जाएंगी। और ये ला रखी हूँ कुछ सुई धागे के डिज़ाइन, और एक झुमकी ला रखी हूँ इस टाइप के, देखो कितनी प्यारी सी है। एक पीस आपको खोल के दिखाती हूँ मैं, तो ये देखो, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है। तो इसी टाइप से कुछ सामान ला रखी हूँ, और इसमें सब इसी टाइप के बालियाँ वगैरह, इस टाइप के झुमके, एक इस टाइप के भी हैं देखो, ऊपर से राउंड राउंड से, नीचे से झुमके टाइप की। और ये देखो, तो ये काफ़ी प्यारे प्यारे से डिज़ाइन हैं। तो आज का यही सारा कुछ सामान है, आप लोग को मैंने सारा कुछ दिखाई दिया है, और इससे आप लोग की अगर न्यू शॉप है तो आप लोग को भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि किस किस टाइप से सामान लाते हैं। छांट छांट के लाना पड़ता है तभी जाके कस्टमर पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि जाओ और भरो और ले आओ, तो काफ़ी देख देख के लाना पड़ता है, और इन चीज़ों पर तो काफ़ी नुकसान भी आता है, तो छांट छांट के लाना। गाइस आप लोग देख सकते हो यही सारे डिज़ाइन है, देखो एक डिज़ाइन, दो डिज़ाइन, 3-4 डिज़ाइन हैं। तो इसमें से आप लोग को कौन सा वाला डिज़ाइन सबसे ज़्यादा पसंद आ रहा है कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। सो गाइस यही सारा कुछ सामान था, मैंने आप लोग को सारा कुछ दिखाई दिया है। तो यही कुछ दुकान के सामान का ना कभी पूरा ही नहीं हो पाता, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ ख़त्म हो जाता है। परसों मैंने आप लोग को दिखाया 15,000 का सामान लाई थी, शायद पिछले हफ्ते भी नहीं, 4-5 दिन पहले। तो फिर ये सामान ख़त्म हो गया, अभी सूट वगैरह ख़त्म हुई हैं, तो अब मुझे कल जाना है सूट लाने। तो देखते हैं अगर कल को सूट वगैरह लेने गई तो वो भी ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोग को दिखाऊंगी कि किस किस टाइप के डिज़ाइन ला रही हूँ करके। तो यही थी आज की शॉपिंग, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।